क्या है ज्वाला? मैं शनि से शादी कर रही हूँ। तुम चाहते थे ना कि मैं शनि ज्वाला तुम शनि चलो अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ हाँ लेकिन कहाँ मंदिर चलो 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 शनि क्या बात क्या है मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया रुको जरा रुको मैं आया चाहते थे ना कि मैं अपना नकाब हटाऊं हाँ हाँ ज्वाला तो ये लो मैं ज्वाला नहीं सभ्या हूं मैं जिंदा हूं लेकिन कैसे हाँ अजगर ने तो तुम्हें नदी में हाँ शनि अजगर ने मेरी लाश चीता पर से उठाकर नदी में फेंक दी थी लेकिन देवी माँ ने मुझे जिंदगी दी और रूपमती ने मकसद हा? अगर तुमने मनी मेरे हवाले नहीं की तो तुम अपने साथियों से भी ज्यादा दर्दनाक मौत के हकदार हो गए
तो क्या रूपमती भी जिंदा है? हाँ शानू, अगर रूपमती जिंदा नहीं होती तो मैं कभी ज्वाला नहीं बन पाती। सभ्या सभ्या, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ शनि, तुम सिर्फ मेरे ही नहीं रूपमती के भी गुनहगार हो। अजगर से तो मैंने अपना इंतकाम ले लिया और सुल्ताना से भी। मेरे जरिए? हाँ शनि, क्योंकि तुम्हें ही जरिया बनाकर सुल्ताना ने मेरा कत्ल करवाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बारी है। हाँ शनि, अब बारी तुम्हारी। तो मुझे भी ठीक उसी तरह मौत देने के लिए, हाँ तुमने अतीत को जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ किया था, तुमने माजी को जिंदा किया। हाँ लेकिन शनि, फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। तुझे सचमुच माफ कर सकती है? क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम अब भी बदल सकते हो, मुझे इसका यकीन है। और हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नई जिंदगी? सच सच? तो मैं सभ्या, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी पांव छूता मुझसे नहीं शनि। देवी माँ के चरणों में पश्चाताप करो और एक नई जिंदगी की शुरुआत की प्रतिज्ञा लो। ठीक है, हाँ लेता हूँ। हाँ रुको, मैं ये अपराधी देवी माँ को धोखा देने चला है। दौलत की हवस ने शनि से इंसानियत की हर पाकीजगी को निचोड़ डाली है, लेकिन दैविक प्रकोप का शनि को अंदाजा नहीं। ज्वाला, मैंने देवी माँ से माफी मांग ली। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं नेकी के रास्ते पर ही चलूंगा। तो अब तुम रूपमती का वो मणि लौटा दो। ठीक है, मैं वो मणि तुम्हें लौटा दूंगा। और सभ्या, मैं तुम्हारे साथ चल के खुद रूपमती से क्षमा मांगूंगा। हाँ हम दोनों। हाँ ये सब तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं ज्वाला। शादी मुबारक हो ज्वाला। ही ये कदम उठाकर मैंने बादल को भी खो दिया। बादल, सेवा कहाँ है? यही मुनासिब होगा। मैं अपने ये सब तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं ज्वाला। शादी मुबारक हो ज्वाला। ही ये कदम उठाकर मैंने बादल को भी खो दिया। बादल, सेवा कहाँ है? शनि से शादी? हाँ देवा, और मैंने तय किया है कि मैं शनि की जिंदगी का सारा जहर निचोड़कर उसकी जिंदगी का रुख बदल दूंगी। रुख बदल दोगी? ज्वाला, ये जहर को अमृत में बदलने की एक बेकार और बेमकसद कोशिश है। लेकिन फिर भी देवा, जिंदगी में कोशिश जरूरी है। शनि इस लायक है ही नहीं कि वो तुम्हारा पति होने का दर्जा हासिल कर सके। देवा, शनि ने जो भी दरिंदगी बरती हो मेरे साथ, लेकिन मेरे पति होने का दर्जा उसे हासिल है ही। और देवा, पति चाहे कितना भी जलील और बेरहम हो, बदचलन और बेगैरत हो, फिर भी पति पति होता है। देखो, तुम अपनी जिंदगी और मर्जी की मालिक हो, तुम्हारे मन में जो आए वो करो। लेकिन अचंभे की बात तो यह है कि अचानक शनि को अपनाकर तुम उससे इंतकाम की प्रतिज्ञा भूल गई। और उससे भी अचंभे की बात यह है कि रूपमती के सारे एहसान भूल गई। शनि से मणि हासिल कर उसको दी हुई प्रतिज्ञा वो भी भूल गई। तुम जो भी इल्जाम लगाओ देवा, यही मेरा फैसला है। हाँ जंगी, ज्वाला को अपनी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया है। लेकिन ताज्जुब है देवा। कुछ मत बोलो जंगी, मुझे खुशी है कि ज्वाला को अपनी खुशी हासिल हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ज्वाला ने शनि को सजा देने के बजाय उससे शादी क्यों कर ली? शायद माफी देकर ज्यादा खुशी हासिल होती हो। अब ज्वाला को मेरी जरूरत नहीं,
इसलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। देवा ने जाने का फैसला क्यों किया? मगर देवा, हाँ जंगी, तुम शनि और ज्वाला को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। अलविदा, अलविदा, अलविदा तेरे दोस्त। देवा सुनो, ज्वाला से एक बार मिल तो लो। देवा के इस फैसले का आधार क्या हो सकता है? जरूर कोई और खास वजह है। देवा, ज्वाला शादी मुबारक हो। शुक्रिया देवा। शनि तुम्हें भी। तुम कहीं जा रहे हो देवा? हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देवा। हाँ ज्वाला, यही मुनासिब होगा। मैं अपने, तुम्हारे और सबके एहसान यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तो क्या जाते जाते एक और एहसान नहीं करोगे मुझ पर? कैसा एहसान? आज की रात रुक जाओ। क्यों? आज रात शनि वो रूपमती की मणि मुझे वापस दे रहा है। मैं दूंगा। हाँ, हाँ। रूपमती की वो सौगात, वो बेशकीमती मणि मेरे खत के साथ उस तक पहुंचा दो। ठीक है। रूपमती, तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर। शनि से मणि हासिल करके मैं उस एहसान का एक अंश कम से कम चुका पाऊंगी। ज्वाला, तुमने शादी करके मुझ पर एहसान नहीं किया है, लगता है कोई सौदा किया है। तुमने किसी खास मकसद से अगर ये सौदा है तो ज्वाला किस फायदे की तलाश में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वाला ने मुझसे मणि हासिल करने की तमन्ना शादी की कीमत देकर चुकाई है? शनि की होशियारी खतरनाक है, मुझे उससे मुकाबला करना ही होगा। ये देखो, ये रही रूपमती की मणि। मणि से पहले तुम, हाँ, सारे वादे पूरे करने के बाद पहले ये मणि मुझे सौंप दो। अच्छा लो। आज की ये तूफानी रात तुम्हारे और मेरे बीच के बांध को तोड़ने की मजबूरी में। ज्वाला का शनि के साथ ये अस्वाभाविक रिश्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूफान
ज्वाला कहीं उठ ना जाए। ये क्या है? रूपमती को लिखा हुआ सभ्या का पत्र है। को लिखा हुआ सभ्य का पत्र है। इत्तफाक के काल चक्र आज फिर से शनि के साथ वही तूफानी वक्त दोहरा रहा है जिसने मेरी जिंदगी को तहस तहस करके उजाड़ दिया था। चुनार कराने का मकसद सिर्फ धन दौलत नहीं, इंतकाम है। अपने भाई पंडित जगन्नाथ से इंतकाम, सभ्या से शादी करने का मकसद भी अपने भाई से इंतकाम था, क्योंकि सभ्या उसके बाद गरीब थी और मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लेना चाहता था। सौदे के मुताबिक मेरी बकाया मोहरे कल सुबह तक तैयार रखना, क्योंकि कल सूर्योदय होने से पहले मैं सभ्या को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे धरोहर वो मणि मेरे कब्जे में है। मणि मेरे कब्जे में है। तुम्हें भी प्रतिज्ञा मैंने पूरी की और अब मेरे इंतकाम का वक्त आ चुका है। इंतकाम का वक्त आ चुका है।